So hello ma'am, how are you? I'm good, how are you? Thank I'm you. Good. So today you got a coloring done, right? So I did balayage and foliage and baby lights technique. So I hope you like it. Yeah, I am loving it, and actually I was skeptical about the hair color, but the final result is amazing. Thank you so much. And I, as you know that this is not a like pre-lightening, yeah. Right? Without pre-lightening I did it. Okay. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye, ma'am. Hello, everyone. Welcome to Shyama's Makeover. How are you, all of you? I hope I'm doing great. Kirkham Achin. Hello. So, guys, as you can see here, before and after transformation, जहाँ पे हमने absolute repair molecular treatment के साथ इस hair color को किया. तो देखते हैं गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस कलर में मैंने विदाउट प्री लाइटनिंग ये हेयर कलर किया 3 कलर टेक्निक्स के साथ. जी हाँ, 3 कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे रेड, चॉकलेट ब्राउन और एक वन कलर मोर. जी हाँ, देयर इज अ 3 कलर कॉम्बिनेशन. किस तरह से मिक्सिंग रेशियो था वो सब आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ. आपको पता है दिस टेक्निक इज वेरी यूनिक टेक्निक. यस गाइस, ज़िगज़ैग बालियाज टेक्निक एंड इट्स अमेजिंग. देखना तो बनता है, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं. अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर यू कैन सी बिफोर, जो कि वर्जन हेयर है. सो एज यू कैन सी आई एम यूजिंग 12.3, 12.5 एंड रूश मजेंटा 30 वॉल्यूम के साथ. पर मिक्सिंग रेशियो कुछ डिफरेंट है आज, देखना इस वीडियो को लास्ट तक. सो यहाँ पे हमने कुछ सेक्शनिंग कर लिया है, क्राउन सेक्शन एंड फ्रंट से दो पार्ट में डिवाइड किया. यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैं कलर कर रही हूँ. पता है आपको, मैं खुद के, मेरी खुद की जो वीडियोज़ होती है, जब क्लाइंट बोलते ना एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए, तो मैं खुद की वीडियोज़ देख के फिर मैं करती हूँ. तो आप लोगों को सोचो कितनी बार मेरी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी और सीखना होगा. यहाँ पे मैं रूश मजेंटा 12.5 को मिक्स कर रही हूँ. जी हाँ, सो 12.5 एंड रूश मजेंटा हमने 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है. मिक्सिंग रेशो 1:2. जैसे आप जानते हो, मेजोलिप्स के सारे शेड मिक्सिंग रेशो 1:2 ही होता है. ये चीज़ें मैं अपने ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस में भी सिखाती हूँ. बहुत जल्दी, नेक्स्ट मंथ से डेट फाइनलाइज नहीं हुआ, बहुत जल्दी बता दूंगी आप लोगों को कि डेट कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. यू नो, हमारी 9th बैच ऑनलाइन क्लासेस बुकिंग तो स्टार्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है. बट हाँ, आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यू विल लर्न मेनी थिंग्स ऑन द क्लास, लाइक यू नो इट्स लाइक ऑल अबाउट थ्योरी, प्रैक्टिकल, लॉट ऑफ थिंग. सो यहाँ पे 12.3 हमने लिया एक बाउल में 12.5 एंड रूश मजेंटा दो डिफरेंट बाउल में मिक्स किया. मिक्सिंग रेशो 1:2 और 30 वॉल्यूम के साथ. और दिस इज कॉल्ड ज़िगज़ैग टेक्निक विद बालियाज. देखते हैं कितने सेक्शंस यहाँ पे मैंने बालियाज लिया, फॉलियाज कहाँ से स्टार्ट किया और बेबी लाइट्स कहाँ पे लिया. तो दिस इज ज़िगज़ैग टेक्निक विद बालियाज. अगर आप देखोगे, हमने ज़िगज़ैग टेक्निक के साथ यहाँ पे हम काम करने वाले हैं. तो हमें ज़िगज़ैग सेक्शनिंग करना है, लेकिन ज़िगज़ैग भी डायगनल बैक होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? डायगनल बैक. तो दिस इज 12.3 जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. जी हाँ, दिस इज 12.3. शी एज अ वर्जन हेयर, इसलिए डायरेक्ट कलर एप्लीकेशन करेंगे. यहाँ पे मैं बालियाज पेंटिंग कर रही हूँ. Once you see here, I'm taking zigzag diagonal back section and also पूरा paint करने के बाद एक broad foil paper आपने लेना है. जितना broad होगा उतना ही best रहेगा, easily एक foil में ही cover हो जाएगा सारा. As you can see, such a beautiful zigzag technique. बहुत ही बारीकी से करना है इस काम को. और जब भी आप काम करते हो, जब भी आप work कर रहे हो अपने clients के ऊपर,
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वर्क आप कर रहे हो, बालियाज कर रहे हो, जिगजैग टेक्निक ले रहे हो, थोड़ा नीट लो. आपको पता है इसके बाद जो रिजल्ट है ना गाइस, गोइंग टू बी ऑलसम एज यू कैन सी हियर. इस टेक्निक के साथ जब आप काम करेंगे, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ, आपका क्लाइंट 100% खुश होकर जाएगा. कोई भी, चाहे प्री लाइटनिंग करके डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे यू नो डायरेक्ट वर्जन पे कर रहे हो, बट अगर आप जिगजैग टेक्निक बालियाज के साथ काम करते हो, आई एम गोना टेल यू गाइस, इट्स वेरी इजी सिंपल टेक्निक, बट यू हैव टू डू इट. पर जब आप एक सेक्शन लेते हो तो कॉर्नर से दो पार्ट में छोड़ना और नीचे से भी एक लेयर को छोड़ते हुए करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन हमने 12.3 लिया, सेकंड ले रहे हैं हम लोग रूज मजेंटा, और यहाँ पे आपको पता था कौन सा शेड मिक्स किया था, 12.5. जी हाँ, मुझे अभी कमेंट्स करके बताइए कि कौन से दो शेड्स मिक्स करे हैं, बताइए. सो गाइज, कमेंट्स बिलो राइट नाउ कि ऐसे दो शेड मैंने कौन से दो शेड मिक्स किया है. एक तो ऑफ कोर्स 12.3 है, बट दूसरा कलर ऐसे क्या था, दो शेड जो मैंने मिक्स किया. सो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू वॉच माई वीडियो, सो दैट आई कैन, इफ आई गेट अ मोर कमेंट्स, देन आई विल मेक अ मोर वीडियो फॉर यू. थैंक यू. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जी हम रेड कलर से ये एप्लीकेशन कर रहे हैं. रेड में हमने 12.5 मिक्स किया था. जितना ज़्यादा कमेंट्स होएगा उतना ज़्यादा वीडियो पोस्ट होएगी आप लोगों के लिए. 2 hours, yes, it takes 2 hours to making video, guys. और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होती है कि आप लोग सीखें एंड ग्रो करें. मैं कुछ भी क्रिएटिव करती हूँ, कुछ भी यूनिक, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे टेक्निक्स के साथ काम कीजिए, क्योंकि यू नो जिस टेक्निक्स के साथ मैं हेयर कलर करती हूँ, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिंपल ट्यूटोरियल है, बिगिनर्स के लिए होता है. इसी तरह जब आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में तो यू आर गोना बी परफेक्ट, बिकॉज मेरे जो यू नो वीडियोस है या मेरी चैनल लाइक ऑनलाइन क्लासेस में बिगनर्स को भी मैं सिखाती हूँ. सो हियर यू कैन सी बालियाज इज ऑलरेडी डन, और इस सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं फॉलियाज टेक्निक. और देखो कितना ईजी है ना, जिगजैग सेक्शनिंग के बाद फॉलियाज यू नो निकालना, आई मीन इतना ईजी है, यू कैन सी इतना ईजीली आप फॉलियाज टेक्निक कर सकते हो जब आप जिगजैग टेक्निक के साथ काम करते हो. यस, जिगजैग टेक्निक के साथ गाइज स्टार्ट कीजिए अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये टेक्निक. आई एम गोना टेल यू, जो हेयर कलर फाइनल रिजल्ट है ना, बहुत ऑसम होता है. बिल्कुल भी लाइनिंग नज़र नहीं आती है, बिल्कुल ब्लेंडिंग नज़र आता है कलर, जो आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा. और हाँ, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड हेयर कलर, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. अगर मेरे पास टाइम होगा डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो पूरा बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो. ऑल्सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो बिगनर्स, अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हो अपने प्रोफेशन में, एंड यू नो आपको लगता है कि हेयर कलर, काफ़ी साल से हम हेयर कलर कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे डाउट्स हैं आज भी क्लियर नहीं हो रहे हमारे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो. फीस इज़ वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही रीजनेबल है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास है यू नो आपको पता ही है, सीज़न इज़ ऑफ, डल सीज़न है, सीज़न अभी जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम खाली बैठ के क्या करें,
इसलिए तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जिससे कि आप लोग सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। यही टाइम होता है अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। दैट्स द रीज़न एवरी डे यू नो कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक आता ही रहता है और आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं कोई भी न्यू टेक्निक या कुछ भी नया करती हूँ, हमेशा सोचती हूँ अपने चैनल में पोस्ट करूँ सो दैट यू कैन वॉच एंड ग्रो। सो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड हम ऑलरेडी बालियाज टेक्निक कर चुके हैं, ठीक है। बॉटम वाले पोर्शन में हमने बालियाज लिया टेक्निक, और बॉटम वाले पोर्शन में जब आप बालियाज ले रहे हो तो दो तीन सेक्शन बालियाज लिया, सेम पैटर्न जैसे हमने लेफ्ट में फॉलो किया सेम आपने राइट में भी फॉलो करना है। तो जब आप राइट में फॉलो करते हो तो ध्यान रखना वहाँ पे भी उसी तरह बालियाज लेना है, पहले 12.3, फिर मिक्सिंग जो हमने बॉल में मिक्स किया था 12.5 एंड रुश मजंटा, राइट, वही टेक्निक सेम टेक्निक के साथ अपने बालियाज पहले कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू डू इट। दिस इज फॉलियाज टेक्निक, और यहाँ पे मैं रेड के साथ फॉलियाज कर रही हूँ, रेड और चॉकलेट ब्राउन जो मिक्स किया हुआ था उसके साथ फॉलियाज टेक्निक कर रही हूँ गाइस। सो गाइस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना। और यहाँ पे हमारे ये दो छोटे छोटे क्यूटी पाई बच्चे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ, अगर असिस्टेंट ना हो तो यू नो वी आर होपलेस। मैं देखती हूँ कि मेरा डेविड आज ऑफ में था, तो एज यू नो डेविड अभी काफ़ी टाइम से वीडियो वॉच कर रहे हो, तो यू नो डेविड वॉज ऑफ टुडे, तो मैंने कहा चलो आज इन लोगों की हेल्प ली जाए। और यहाँ पे फ्रंट साइड में अगर आप देखोगे ये है डायगनल जिगजैग टेक्निक। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम वही टेक्निक के साथ काम करेंगे, जिगजैग टेक्निक के साथ ही होगा, फर्स्ट बालियाज देन उसके बाद बालियाज फिर उसके बाद फॉलियाज टेक्निक। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, जाइएगा नहीं।
So guys, as you can see, left side is already completed, right side is also completed, same pattern, same way आपने जिस तरह से left side किया उस तरह से right side भी करना है। अब हम आते हैं crown section में। crown side में हमने क्या करना है, zigzag section करना है, right? crown में भी मैं यहाँ पे zigzag कर रही हूँ और दो part front का, of course अगर आप zigzag करते हो ना, I'm gonna tell you guys, बहुत ही अच्छा effects है का, इसके जो रिजल्ट्स है ना बहुत awesome है, आप ज़रूर ट्राई करना क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये टेक्निक, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो जैसे जैसे टेक्निक्स के साथ मैं सिखा रही हूँ उसी पैटर्न में करना। आपने नोटिस किया होगा बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड बालियाज लिया, फिर फॉलियाज बालियाज फॉलियाज, फिर क्राउन एरिया हम बेबी लाइट्स ले रहे हैं बट ज़िगज़ैग टेक्निक के साथ। जी हाँ, पूरे अच्छे से इस तरह पूरा ओवरऑल क्राउन भी आपने फिनिश करना है एंड देन आफ्टर फिनिशिंग यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। जी हाँ, आफ्टर 30 मिनट्स। या आज हमने इनके बालों पे किया है मॉलिकुलर, एब्सोल्यूट पर मॉलिकुलर ट्रीटमेंट जो आजकल ट्रेंड में है, हर जगह मॉलिकुलर मॉलिकुलर है क्या भाई। जी हाँ, 2 साल का डैमेज भी एक सिटिंग में ही वो रिपेयर कर देता है। अगर 2 साल का भी डैमेज है एक सिटिंग में ही रिपेयर कर देता है। इनका हमने कलर प्रोटेक्शन के लिए किया था, रिजल्ट वॉज ऑसम। आप अगर चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो देखना, जी हाँ मॉलिकुलर रिपेयर, तो जाइए जाके देखिएगा मेरे चैनल में। और मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था वो वीडियो लास्ट वीक। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं स्क्रीन पे जो वीडियो जाने के बाद स्क्रीन पे कुछ वीडियो आएगी, उसको स्क्रीन की इसको क्लिक कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा मॉलिकुलर के ऊपर। वो वीडियो ऑसम वीडियो है, मस्ट वॉच, दिस इज अमेजिंग ट्रीटमेंट, यू कैन डू इट आफ्टर हेयर कलर गाइज, दिस इज लिव इन क्रीम, इस लिव इन मास्क इज रियली ऑसम। मैंने खुद अपने बालों में ट्राई किया था, ब्लो ड्राई किया था एटलीस्ट 1 वीक तक, अगर आप वॉश नहीं करोगे तो आई एम गोना टेल यू इट्स स्मूथ इफेक्ट। एज यू कैन सी दिस इज नाइस ब्यूटिफुल हेयर कलर गाइज। कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस के लिए, जी हाँ आप लोग हमारी 9 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की डीप नॉलेज थ्योरिटिकली प्रैक्टिकली मैं सिखाने आऊँगी आपको अप्रैल के मंथ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून, बाय।